कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हमने देख सकते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो केमिकल बॉन्ड में भी क्या डिस्कस किया था बच्चा लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, और कुछ एक्सेप्शनल जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो मतलब उनमें से किसी एक एलिमेंट के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन से या तो कम होगा या फिर उससे ज्यादा। एग्जाम्पल से PCl5 देखे थे और BCl3। नेक्स्ट हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड दिख गया भाई। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है ओवरलैपिंग। पहले साइड में नोट कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उसके अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग ओवरलैपिंग। कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, या इसे को बोलते हैं भाई कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग या फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले ये ओवरलैपिंग टर्म्स होता क्या उसको डिस्कस कर लेते हैं भाई, ओवरलैपिंग के बारे में। ठीक है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मेन हेडिंग नोट कर, देन कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। तो बेटा ओवरटेक सुने हो, ओवरटेक का मतलब क्या होता है, ओवरटेक का मतलब क्या होता है बच्चा, ऐसा कोई एक कार है भाई, ठीक है, इसके आगे कोई कार है, ये कार इससे आगे आ जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा, ओवरटेक करना, पीछे छोड़ दे, ठीक है ना, पीछे छोड़ देगा, मतलब इसी को बोलते हैं ओवरटेक करना। ओवरलैपिंग में क्या आता है, ये जो कार है उसके आगे नहीं जाएगा ना ही पीछे रहेगा, उसके साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना, उसके ऊपर मर्ज हो जाएगा मतलब, हाँ, तो एक दूसरे में चिपक जाएंगे, मर जाएंगे, या मतलब समझ लो ये जाया इसको ठोक गया, और ये दोनों इतना अच्छे से, ये कार इसकी पीछे से इतना अच्छे से ठोका कि ये दोनों एक दो अलग अलग कार ना हो के एक नया कार बन जाए, ठीक है ना, बेकार वाला। तो प्रोसेस को बोला जाता है ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में एटम्स होते हैं कि आपस में टकराना स्टार्ट होते हैं, तो टकराएंगे तो क्या होगा बच्चे, एक दूसरे से कुछ पार्ट इनका मर्ज होगा कि नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग, कुछ पार्ट एक दूसरे के शेयर में आ जाएगा, क्लियर yes, है। तो इधर yes. से कोई एक गाड़ी आ रहा है, इधर से कोई गाड़ी आ रहा है, मतलब इधर से एक एटम आ रहा है इधर से, और आपस में टकरा है, टकराने के बाद क्या होगा बच्चा, कुछ एटम का इधर का पार्ट इधर का पार्ट दोनों हिस्सा मर्ज हो जाएगा, तो वही मर्ज हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं शेयर्ड पार्ट, तो बोला जाता है वहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो ओवरलैपिंग भी वही है, दो अलग अलग एटम्स के या मॉलिक्यूल्स का आपस में मर्ज होना, उसी को हम क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग। लेकिन इसके लिए एक स्पेशली कंडीशन है कि हाँ इस टाइप के ही ऑर्बिटल आपस में टकराएंगे, जैसे मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन का, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन देखो तो क्या आएगा, 1s1, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1s1, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 1, दोनों हाइड्रोजन एटम है, दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चा, 1, 1, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच्चा, 1 and 1। तो अब क्या होगा, ये जब आपस में टकराएंगे, ये इसे इधर गया ये इधर गया, एक हाइड्रोजन एटम इधर जा रहा है दूसरा इधर आ गया, तो टक्कर होगा कि नहीं होगा भाई, दोनों में कोलिजन होगा, तो कोलिजन के थ्रू क्या मिलेगा यहाँ पे, ये कुछ पार्ट एक दूसरे में मर्ज जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन है आपका सर यही है ना, ये हमारा ऑर्बिट है, मालूम है बच्चा, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, भूल गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी अभी पढ़ रहे होंगे टेस्ट के लिए, ऑर्बिट के अंदर क्या होता है भाई, सबशेल, सबशेल, ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं सबशेल, और यहाँ पे एस सबशेल, एस सबशेल है, ये एस सबशेल, तो ऑर्बिट में जो सबसेल है वो आपस में टकराते हैं, और ये टकरा के क्या हो जाएंगे, H2 बन जाएंगे, और यहाँ पे
पहला एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में मर्ज जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो जो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और दोनों का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्लियर है? जब भी ओवरलैपिंग होता है तो सिर्फ हाफ फिल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, हाफ फिल ऑर्बिटल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और आपस में टकराने के बाद दोनों एक दूसरे क्या हो जाते हैं, जो हाफ फिल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जो हाफ फिल ऑर्बिटल है, रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनना बिल्कुल, जो हाफ फिल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपस में कोलिजन होने के बाद एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मर्ज होके वो जो ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चा, फुलफिल्ड हो जाएंगे। तो हाफ फिल ऑर्बिटल, हाफ फिल ऑर्बिटल, तो आधा आधा पूरा एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? सर तो बड़ा कॉन्सेप्ट है, आधा ऑर्बिटल आधा ऑर्बिटल भर मिलके क्या जाएगा, पूरा एक कंप्लीट हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड मिलके क्या बना लेंगे, फुल फिल ऑर्बिटल। और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट, या तो ऐसा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज है तो बाद वाला क्लॉकवाइज। क्यों बच्चा अपोजिट क्यों, ऐसा अगर अपोजिट नहीं हुआ, अगर ऐसा ऐसा फिल कर दिए क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो कि रॉन्ग है, तो क्या तकलीफ हो जाएगा, किस कौन से रूल को ज्यादा दुख पहुंचेगा ऐसा करने पे, किसी भी कौन एक लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, कौन सा रूल, पॉली पॉली पॉली। चलो देखो पॉली वाले ज्यादा लोग हैं तो बहुमत पॉली के साथ जाता है, ठीक है ना, पॉली को बुरा लग जाएगा। तो ओवरलैपिंग फिनोमेना में क्या होता है बच्चा, हाफ फिल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। क्या याद रखना है बच्चा, ओवरलैपिंग में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली हाफ फिल ऑर्बिटल का। हाँ, इस बात का दिमाग में बात रख लो, इन दिस द प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच only half filled orbitals, the process in which only half filled orbitals orbitals are participate, the process in which only half filled orbitals participate, half filled orbitals are participate and form covalent bond is called overlapping। तो overlapping में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, हाफ फिल, और जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, covalent bond। और उस समय हाफ फिल जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, द स्पिन, नहीं एक मिनट एक लाइन और करते हैं, द न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स बाय ओवरलैपिंग is called overlapped orbitals and electron in this orbital present with opposite spin to each other। ठीक है, ध्यान से सुनना जो लोग लेट में एंट्री हुए क्लास में, हम क्या कह रहे हैं, जब एटम आपस में टकराते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है भाई, एटम का जैसे हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम,
दोनों को अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करना है भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, है इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। सेकेंड हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी आपस में शेयरिंग करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन का बताओ जल्दी, कि अपने आप को स्टेबल बना लेंगे, एक वन वन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। हाँ तो ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे और क्या बना लेंगे, अपने आप को स्टेबल। तो उस समय मैंने बोला ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, तो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है भाई, एस में, एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है एस में, ये भी क्या हाफ फिल्ड है कि नहीं है, तो ये आपस में मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। इस शेयरिंग के फिनोमिना को ही नाम दिया गया है क्या यहाँ पे, ओवरलैपिंग। इस शेयरिंग के ही फिनोमिना को क्या नाम दिया गया है, ओवरलैपिंग। अब बोला ओवरलैप्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अपोजिट स्पिन में। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर पहला एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसा होगा, सेकेंड क्लॉकवाइज। समझ में आया, तो ये था ओवरलैपिंग। तो कहने का मतलब है जिसको पहले शेयरिंग बोला जा रहा था, यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला गया क्या, ओवरलैपिंग। तो बताया था अगर कोई बंदा ए है बी के आगे चल गया दौड़ के, तो इसको बोलते हैं ओवरटेक, और दोनों साथ साथ चलने लग गए तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। समझ में आया, तो ओवरलैपिंग कुछ अलग नहीं है, बस दो अलग अलग एटम से अब दोनों साथ साथ हो गए, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो जो पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या बोलते थे, शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, ये शेयरिंग का एक्चुअल जो फिनोमिना है वो किस इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, ओवरलैपिंग। तो वही लिखा द प्रोसेस इन विच ओनली हाफ फिल ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट, ठीक है, किसमें, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। और ये जो न्यूली ऑर्बिटल्स बना है इसको क्या बोलेंगे, ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। तो कौन कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं बताओ तो मुझे, ये हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है ओवरलैपिंग में, बोलो, एस। और इसका भी कौन सा यूज हुआ, एस। इसको क्या बोलेंगे, एसएस ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग बोलेंगे इसे, एसएस ओवरलैपिंग, ठीक है ना, या फिर एसएस ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे इसे, एसएस ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग क्लियर है क्या हुआ भाई, तो सिंपल जब जो मैं कहा जाए तो एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से टकरा गए और मर्ज हो गए, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। एकदम सिंपल वे में बोला जाए, एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल से टकराना और फिर मर्ज करना, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। अगर टकरा के फिर अलग हो गए तो वो ओवरलैपिंग नहीं है, ऑर्बिटल टकरा और एक दूसरे में फिट हो गए, मर्ज हो गए, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ओवरलैपिंग। क्लियर है बच्चा, और ओवरलैपिंग के थ्रू क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। बस आपको क्या याद रखना है, ये लाइन एकदम दिमाग में बैठा लो, कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ओवरलैपिंग में, ओनली हाफ फिल ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट। ये लाइन एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, नोट डाउन कर लो इसको, ओवरलैपिंग प्रोसेस को। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना टाइप। तो कुछ देर पहले हमने बताया भाई ओवरलैपिंग में हाफ फिल ऑर्बिटल्स टकराते हैं, तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, जनरली ये जो चैप्टर है वो पी ब्लॉक के लिए है। तो पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पी में, एस एंड पी में। तो कौन कौन से ऑर्बिटल टकराएंगे आपस में, एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। एस और पी में इलेक्ट्रॉन है तो यही ऑर्बिटल टकराएंगे, तो एस अगर एस से टकराया तो कौन सा ओवरलैपिंग होगा, एस एस। एस पी से टकराया तो एस पी। पी और पी आपस में टकराए तो पी पी। तो टाइप में कितने टाइप होंगे बच्चा लोग, थ्री टाइप, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग एंड पी पी ओवरलैपिंग। पी पी में फर्दर टू टाइप होंगे, एक हेड ऑन, हेड टू हेड भी बोलते हैं इसे, ठीक है, या फिर
हेड ऑन और इसको बोलते हैं साइड टू साइड, एक नाम तो पता ही चल गया होगा, साइड ऑन। ठीक है, तो पी में टू टाइप, फिर फर्दर टू टाइप मिलेंगे बाकी में नहीं। तो टाइप कौन कौन सा, एस एस ओवरलैपिंग, सेकेंड है एसपी ओवरलैपिंग, थर्ड है आपका पीपी ओवरलैपिंग, और ये फिर से फर्दर टू टाइप में है, ए और बी, हेड ऑन और साइड ऑन। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एस एस ओवरलैपिंग, तो कोई मुझे बता सकता है डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका, हमें कोई बताएगा भाई कौन से प्रोसेस में एस एस ओवरलैपिंग कहलाएगा? तो भैया डेफिनेशन पहले जो स्टेटमेंट बनाया उसी से होगा, द प्रोसेस इन विच हाफिल ऑर्बिटल, वो हाफिल ऑर्बिटल क्या होगा, द प्रोसेस इन विच, तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होगा, हाफिल ऑर्बिटल। वेरी गुड, ये तब मुझे याद करना था, हाफिल एस ऑर्बिटल, द प्रोसेस इन विच हाफिल एस ऑर्बिटल मिक्स विथ, किसके साथ मिक्स होगा या मर्ज विथ कर सकते हो, किसके साथ मिक्स होगा भाई, एस ऑर्बिटल मिक्स विथ अनदर हाफ फिल एस ऑर्बिटल, मिक्स विथ अनदर हाफ फिल एस ऑर्बिटल and form covalent bond is called, क्या कहलाएगा भाई, SS overlapping. तो statement जो पहले statement था उसी से मिलकर बना, the process in which half fill s orbital mixed with another half fill s orbital and form covalent bond is called SS overlapping. तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता बच्चा, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता भाई, सर्कुलर शेप का, सर्कल नहीं बोलेंगे, स्फेरिकल बोलेंगे। ठीक है, सर्कल 2D हो जाता है, स्फीयर 3D ज्योमेट्री होता है। तो एस में एक इलेक्ट्रॉन, ये एस ऑर्बिटल, फिर अनदर है एस ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में मर्ज होंगे मतलब मिक्स होंगे, अब टकराएंगे तो कुछ पार्ट शेयरिंग में आ जाएगा, इस शेयर पार्ट में दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट। इस प्रोसेस में एस और एस मर्ज हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, एसएस ओवरलैपिंग। अच्छा, एसएस ओवरलैपिंग से जो बोन बनता है कोवेलेंट बोन, उसको बोलते हैं सिग्मा, सिंबॉल यूज होगा सिग्मा कोवेलेंट बोन, ये भी याद रखना है कोवेलेंट बोन। तो ऐसे ओवरलैपिंग से जो बोन बना कोवेलेंट बोन, उसका नेम क्या दिया गया, सिग्मा कोवेलेंट बोन। तो नोट करो इसको पहले ऐसे ओवरलैपिंग को बच्चा। नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग का टाइप है वो एसपी ओवरलैपिंग है। तो भैया ओवरलैपिंग मतलब सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें ऑर्बिटल आपस में टकराते हैं और कुछ नहीं। ओवरलैपिंग सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्बिटल एक दूसरे से टकराते हैं और मर्ज हो जाते हैं, सबसे सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन ऐसा लैंग्वेज में लिखोगे तो बोर्ड में एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं देंगे, बोलेंगे बहुत ज्यादा ही फॉर्मल हो गया आंसर, थोड़ा सा घुमा फिरा के शब्दों का जाल बुनोगे तब जाके मार्क्स मिलते हैं। द प्रोसेस इन विच हाफ फिल ऑर्बिटल मिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, सीधा सा लिख देते तो ऑर्बिटल आपस में टकरा रहा है, ओवरलैपिंग, ऐसा लोगों को पसंद नहीं आता ना। तो एसपी ओवरलैपिंग, तो बच्चा मैं स्टेटमेंट नहीं नोट करवा रहा हूँ, क्या होगा, कौन कौन सा ऑर्बिटल मर्ज होंगे भाई, एक एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, तो दूसरा ऑर्बिटल कौन सा मर्ज होगा, पी ऑर्बिटल, ये भी होगा। तो ये ओवरलैपिंग करेंगे क्या, तो बताए मुझे यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा क्या? यस सर नहीं, एक मिस्टेक है यहाँ पे, ओवरलैपिंग नहीं होगा भी, सोचो जरा। नोड no.
भैया ये आपस में टकराएंगे तो इनको मर्ज करने के लिए एक चीज का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब एक तरह का गम या ग्लू काम करेगा, वो कौन सा चीज है भाई? जिन दोनों को कनेक्ट, इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल, ये हाफ फिल, तो एक तरह का ग्लू का काम करता है दोनों को ज्वाइंट करने का, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन हुआ ही नहीं तो ओवरलैपिंग होगा कैसे? आपस में टकराएंगे और क्या बनेगा यहाँ पे? एसपी ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा यहाँ पे? एसपी ओवरलैपिंग, ठीक है ना? तो इससे पहले मैंने क्या रखा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो ओवरलैपिंग होता क्या? टकराते और एक दूसरे से बाहर से जाते, क्योंकि यहाँ पे तो भैया इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो हाफ फिल ऑर्बिटल होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं होगा तब तक ओवरलैपिंग होता ही नहीं है। तो ये हुआ भाई, तो एक हाफ फिल एस ऑर्बिटल, द प्रोसेस इन विच हाफ फिल एस ऑर्बिटल मिक्स्ड विद अनदर हाफ फिल पी ऑर्बिटल एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एस पी ओवरलैपिंग। ये स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट से कॉपी पेस्ट है भाई, जहां पे एक एस था उसको एस रहने दो, जहां पे सेकंड टाइम एस लिखे तो वहां पी कर दो, और लास्ट में क्या कर दो? एस एस की जगह पे एस पी, पूरा वही कॉपी पेस्ट और रिश्ता वही सोच नया के साथ, और डेफिनेशन बन जाएगा एस पी ओवरलैपिंग। याद रखना है एस पी ओवरलैपिंग से भी जो बॉन्ड बना केमिकल बॉन्ड उसे बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोला जाता है? सिग्मा, सिंबल इसका ये सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, इस चीज़ को याद रखना। तो एस पी ओवरलैपिंग का भी रिजल्ट क्या है? सिग्मा बॉन्ड। पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग टू टाइप का है भाई। फर्स्ट हेड ऑन, सेकेंड साइड ऑन। तो हेड ऑन और साइड ऑन दो टाइप का पॉसिबिलिटी होता है। क्यों? पी ऑर्बिटल कैसे है भाई? डंबल शेप से, पता है सबको। तो टकराने का पॉसिबिलिटी क्या सकता है भाई? सामने सामने से टकराए, ठीक है ना? ये सामने सामने से टकराए तो इसको बोलेंगे हेड ऑन। ये पी ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, तो इसमें क्या होगा? साइड से साइड टकराएगा, ये वाला जो साइड है इससे टकराएगा, ये साइड इससे, मतलब इस टाइप से। तो यहां पे क्या बनेगा भाई? इसको बोलेंगे पीपी ओवरलैपिंग। यहाँ पे ये जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा भाई? इसको बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको बोलेंगे क्या? साइड ऑन। तो जब हेड टू हेड टकराए, ये हेड और ये हेड आपस में टकराए, तो इसको क्या बोलेंगे? पीपी ओवरलैपिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ठीक है? और साइड ऑन में क्या होगा? ये साइड से साइड टकराएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइड ऑन ओवरलैपिंग। अब बोलेंगे सर क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ क्या? तो बेटा ये गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में और क्या, हाँ तुम इसको नीचे रख लो ऐसे, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है? मतलब कोई भी साइड में इलेक्ट्रॉन, एक्सक्यूज मी सर, हाँ, कोई भी एक साइड में इलेक्ट्रॉन रहेगा। यस सर, ठीक है? तो जहां भी इलेक्ट्रॉन रहेगा पेयर में दिखना चाहिए, सिंगल सिंगल नहीं। तो ये पीपी ओवरलैपिंग है, ये हेड ऑन और ये साइड ऑन। बुक में इसी तरह से देता है, इसी तरह से बनाओगे, ठीक है ना? नहीं तो स्कूल के एग्जाम में मार्क्स कट कर देंगे। हमारे को हमें बताना है तो आप नीचे बनाओ या बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पीपी ओवरलैपिंग टू टाइप का, एक हेड ऑन और एक साइड ऑन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस इन विच हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल मिक्स विद अनदर हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल इन हेड टू हेड डायरेक्शन।
एंड फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पीपी और लिपिन। यहाँ पे क्या करोगे, साइड टू साइड डायरेक्टर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीपी ओवरलैपिंग। ये हेड ऑन पीपी ओवरलैपिंग बोलोगे इसे, हेड ऑन पीपी ओवरलैपिंग। और ये क्या कहलाएगा, साइड ऑन पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है, हेड ऑन और साइड ऑन ओवरलैपिंग, इस बात को याद रखना बच्चा। तो यहां से जो बोन बनता है इसको भी हम लोग बोलते हैं सिग्मा बोन। कौन सा बोन बनते हैं बोलते हैं बच्चा, सिग्मा बोन। और इस बोन को यहाँ पे नाम दिया गया पाई बोन। यहाँ पे जो बोन बन रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पाई बोन। तो सिग्मा बोन कहाँ कहाँ बनता है, एसएस एसपी पीपी में हेड ऑन। और पाई बोन से कहाँ बनता है, पाई बोन कहाँ फॉर्म होता है बच्चा, साइड ऑन पीपी ओवर, साइड ऑन, साइड ऑन मतलब साइड ऑन पीपी ओवरलैपिंग। तो ये होता है ओवरलैपिंग। तो स्कूल के एग्जाम में मतलब अगर आप जो लोग जिनका स्कूल कंपलसरी जाना तो वहां पे ये सब इस चैप्टर से ये 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना पड़ता है ओवरलैपिंग क्या है, उनके टास्क को डिस्कस करना पड़ता है। तो कल लोगे बाकी आपको इसमें क्या याद रखना है, किसमें सिग्मा बोन बनता है और किसमें पाई बोन बनता है, जेडब्ल्यू और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी बहुत सिंपल सा है, शायद ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, तो इस चीज को याद रखना बच्चा लोग। ऑर्बिटल टकराए तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। तो इसी से एक क्वेश्चन चलो बना लेते हैं, देखते हैं कितने लोग समझ चुके हैं इस चीज को। ये एस और एस टकराया, ठीक है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना, ये एस ऑर्बिटल इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है। जब जिससे पूछा जाएगा वही आंसर देगा। देखते हैं आप लोग कितना समझे हो इस टॉपिक को। तर हो गए, तो बताओ किसमें ओवरलैपिंग होगा, फर्स्ट वाले में पॉसिबल है क्या? यस सर पॉसिबल है, फर्स्ट वाले में पॉसिबल है, पॉसिबल है। सेकंड वाले में नो सर, नो सर, डायरेक्शन डायरेक्शन अलग है, ठीक है ना, टकराएंगे नहीं तो मर्ज कहां से होगा, मतलब कोलिजन ऑफ ऑर्बिटल यही है ना। थर्ड वाले में नो सर, यस सर, यस सर, होगा। फोर्थ वाले में नो सर, नो सर, नो सर, यस सर, अब होगा, यस सर, नहीं होगा। बताओ कैसे इलेक्ट्रॉन आपस में मर्ज होंगे, ये तो इस टाइप का सेफ है ना। यस सर, डायरेक्शन उसकी अलग है सेकंड वाले। हाँ तो यहाँ पे फंस जाएगा ना, तो आपस में अच्छे तरीके से कोलिजन अच्छा नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना, ये इसमें नहीं होगा, इसका एक्सप्लेनेशन ये है। फिफ्थ वाले में नो सर, नहीं होगा, मर्ज तो होगा बट इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा, मर्ज तो होंगे ऑर्बिटल बट इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सिक्स वाले में यस सर, सर होगा, सिक्स वाले में होगा भाई,
इलेक्ट्रॉन का स्पिन पहले कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मर्ज हो रहे हैं आपस में टकरा रहे हैं तो बाद में वो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज में चल जाएगा। यहाँ पर सर नहीं होगा, नो सर नहीं भाई, एक यहाँ पे ऑर्बिटल ऐसे टकराएगा तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो क्लियर है? तो इस देखो सेकेंड वाले में नहीं हो रहा, टकरा तो रहे नहीं, टकरा ही नहीं। फोर्थ वाले में आपस में ऑर्बिटल टकरा रहे हैं बट ओवरलैपिंग नहीं, मतलब बॉन्ड नहीं बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रहा। सेवंथ वाले में भी टकरा रहे हैं बट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो इसलिए बोला जाता है जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, मतलब अगर ऑर्बिटल का डायरेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है क्या? अगर ऑर्बिटल्स का नेचर प्रॉपर नहीं हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड कभी बन सकता है क्या बच्चा? नो सर, नो सर नहीं। तो यार अपना एक स्टेटमेंट आ चुका बहुत पहले, आयनिक बॉन्ड होते हैं नॉन डायरेक्शनल और कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं डायरेक्शनल। कहीं पे अंडरलाइन करके नोट कर लो इस स्टेटमेंट को। सो ऑल आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, जितने भी आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है कहाँ से आ रहा है। नॉन क्या बोले आपने? नॉन डायरेक्शनल। तो जितने भी बॉन्ड अगर कोवेलेंट हैं तो वो सबके सब डायरेक्शनल कहलाएंगे, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं बच्चा? नॉन डायरेक्शनल। और ये कैसे होते हैं? कोवेलेंट डायरेक्शनल। कहीं नोट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो या डायरेक्शन हो तब जाके बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे पहले डायरेक्शनल वर्ड यूज हो चुका है तो अब प्रॉपर ओरिएंटेशन टर्म्स यूज कर सकता है भाई कंफ्यूज करने के लिए। समझ में आया? Yes, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चा। मतलब आयनिक बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग नहीं हो सकती? नहीं, आयनिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग का कोई फिनोमिना ही नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एक छोटा सा होमवर्क है कल के लिए, डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो दो चार बातें मैं ही बता देना, तुम्हें स्टेटमेंट बना लेना। फर्स्ट, सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ से बनता है भाई, कौन कौन से ओवरलैपिंग से? पहला डिफरेंस ये सिर्फ पीपी से, वो भी साइड ऑन, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड जो एस एस बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है अभी बता देंगे, ठीक है ना। पीपी होता है वीक, SS बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, PP क्या होता है भैया? वीक। क्यों वीक होगा कोई बता सकता है? देखो टकरा रहे ऑर्बिटल और मर्ज हो रहे हैं, अगर ये मर्ज इतना पार्ट हुआ और यहाँ पे मर्जिंग इतना सारा हो रहा है तो ओवरलैपिंग कौन सा अच्छा कहलाएगा? ये वीक और लो ओवरलैपिंग है, ये लो ओवरलैपिंग है और नीचे वाला यहाँ पे हाई। तो जितना ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना चीज टकराया उतना अच्छा ओवरलैपिंग और उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो क्यों? तो देखो बनता कैसे है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सबको क्लियर है भाई, पी ऑर्बिटल के मिलने से, यहीं से कंफ्यूज और एस एस से भी। तो ये पी ऑर्बिटल है, यहाँ से भी पी ऑर्बिटल, थोड़ा सा बढ़िया से बना लेते हैं, दो मिनट रुको तो बाहर से थोड़ा साउंड आ रहा है, देखते हैं क्यों बनता है भाई। तो हमारे पास p ऑर्बिटल से अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, ये इधर भी p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल,
ये पी ऑर्बिटल, तो ये इधर जा रहा है ऑर्बिटल, ये भी इधर जा रहा है, तो ये आपस में टकराएंगे, तो पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ? फर्स्ट कंडीशन, पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चा, पहले कौन सा ऑर्बिटल टकराएंगे, साइड ऑन वाला या हेड ऑन वाला? हेड ऑन, साइड ऑन, हेड ऑन वाला, साइड ऑन वाला कहते हैं, ये पहले है ना भाई, ये ऑर्बिटल ऐसे है, ये इधर से ऐसे जा रहा है, इधर से कोई ऑर्बिटल, अब उसके लिए होल्ड करने के लिए कुछ है क्या? ये ऑर्बिटल ऐसे है, ये टकराएगा तो पहले ये टकराएगा ना, ये ऊपर वाले टकरा जाएंगे, ये ऑर्बिटल ऐसे है इधर टकराएगा कौन सा? हेड ऑन, हेड ऑन टकराएगा ना, ये इस, ये वाला इसके साथ मर्ज होगा, ये वाला इसके साथ मर्ज होगा, ठीक है, ऊपर वाला टकरा रहा है क्या? No. नहीं टकरा रहा, ठीक है, फिर अभी बस सिर्फ कौन सा बॉन्ड बना है? सिग्मा। अब एक कंडीशन लास्ट में, ये पूरी तरह से एकदम मर्ज हो चुका है, ठीक है ना, एकदम ही ज्यादा, तब जाके थोड़ा सा साइड वाला टकराएगा, ठीक है ना, ये आपस में, ये ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल से पूरी तरह से एकदम टकरा जाएगा, तब जाके ये थोड़ा सा बस मर्ज होगा। क्लियर हो रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? यहाँ से ये आया साइड ऑन, सॉरी हेड ऑन वाला टकराया, अभी भी हेड ऑन है, देखो इतना पार्ट हिस्सा, यहाँ तक का हिस्सा ओवरलैप हो चुका है और आया ओवरलैप, जब एकदम टकराया जाएगा यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे ये वाला जो है साइड टू साइड, सॉरी हेड टू हेड वाला एकदम ही ज्यादा मर्ज हो जाएगा, तब जाके ये हल्का सा बस टकराएंगे। तो ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होता है, सिग्मा में होता है या फिर पाई बॉन्ड बनने में के समय होता है? सिग्मा में, सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि पहले यही टकराएंगे, अभी भी यही टकराया, लेकिन पाई बॉन्ड तो बना नहीं, फिर और पाई बॉन्ड जब बनने के लिए आपस में टकराएंगे, तब तक ये दोनों, ये और ये बहुत अच्छे से मर्ज हो चुके होंगे, आपस में बहुत ही तरीके से क्या हो जाएंगे, मर्ज हो चुके होंगे, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, फिर उसका यहाँ पे ये इस तरह से, तब जाके यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ होगा, ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, तो या तो रट लो या फिर समझ लो, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग हुआ उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, और सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड पहले मिलता है, ये भी एक पॉइंट होता है। फर्स्टली कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा भाई? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, तो याद रखना जो सिग्मा बॉन्ड है विदाउट पाई बॉन्ड मिल जाएगा, सिग्मा बॉन्ड जो है विदाउट पाई बॉन्ड मिल जाएगा, बट पाई बॉन्ड ये फॉर्म हो सकता है, बट पाई बॉन्ड जो है डज नॉट फॉर्म विदाउट सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी एक पॉइंट बनता है। तो इस तरह से देख लेना, यहाँ से चार से पांच पॉइंट बनेंगे, तो ये आपका होमवर्क है। तो सबसे पहले कहाँ बनता है ये, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, सेकेंड में ये, थर्ड में क्या करना, पहले कौन बनेगा सिग्मा, बाद में बनता है पाई, तो सिग्मा बॉन्ड पाई के बिना बन सकता है, बट पाई हमेशा सिग्मा, क्योंकि ये जब पी पी आपस में टकराएगा तो सिग्मा बन जाएगा, तब सिग्मा बनने के बाद ही पाई बनता है। क्लियर है? तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं वो तो अकेले मिल सकते हैं, बट पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा के साथ मिलेगा। तो ये रहेगा, दर्द कोई तकलीफ है तो कुछ लोग अच्छा आज रखते हैं। बाय सर, थैंक यू सर, आपकी